गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट का और आज का वीडियो मेरा इसका 11वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशंस के कंसेप्ट के बारे में। बच्चों एलसी ऑसिलेशन हमारा बिल्कुल एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऑसिलेशन के बिल्कुल सिमिलर होता है, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट भी इसमें यूज होता है। ठीक है बच्चों देखते हैं कि हमारा एलसी ऑसिलेशन क्या होता है। अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में बच्चों मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वरिष्का अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं जाती हूँ मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है बच्चों एलसी ऑसिलेशंस ये आज का हमारा टॉपिक है। एलसी ऑसिलेशंस ठीक है बच्चों। अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमको ऑसिलेशन का एक छोटा सा पार्ट जो है वो देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में एलसी ऑसिलेशंस पे आऊंगा। ठीक है बच्चों तो इसके लिए बच्चों हमें चलना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के एसएचएम वाले टॉपिक पे। और हमने एक बहुत ही प्यारी चीज पढ़ी है, वो पढ़ी है सिंपल पेंडुलम। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक पेंडुलम होता है, वो इधर से अपनी मेन पोजिशन से अपना ट्रू एंड थ्रू इधर उधर कॉन्टिन्यूसली अपना ऑसिलेशन करता है, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। अब बच्चों क्या होता है इस ऑसिलेशन में, इसके कुछ हमारे जो है रूल्स होते हैं और रूल्स में हमारी तीन कंडीशन होती है जिसमें से एक कंडीशन होती है इसमें लगने वाले एक्सिलरेशन की। और उसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है एक्सिलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पर x हमारा डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से इसका। ठीक है अब देखिए बच्चों ये है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डीवी बाई डीटी और ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डीवी बाई डीटी को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डीटी स्क्वायर और ये आ जाएगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और बच्चों ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डीटी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये आ गया और इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है तो बच्चों यहां पर नोट कर लीजिए दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑसिलेशन का है। ठीक है इसका एक जनरल सॉल्यूशन निकलता है, वो सॉल्यूशन क्या होता है इसको देख लीजिए, वो आता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस तरीके से हमारे पास आ गया, ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन होता है। बच्चों एक एक चीज देखिए इसमें क्या है, जहां पर बच्चों x है हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन से हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है। एक्स नॉट है बच्चों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और बच्चों यहां पर ओमेगा है बच्चों ये है ओमेगा हमारा है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है और बच्चों फाई होता है हमारा इनिशियल फेज। ये चीज है, इतनी चीजें आप जो है नोट कर लीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही, तैयारी अच्छी चल रही हो तो ऑसिलेशन आप भूले नहीं होंगे, आपको याद होगा। और भूल गए हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये अभी थोड़ी देर में आपके पास जो है काम आएगा, क्योंकि इसी की एनालॉजी हमको मिलेगी एलसी सर्किट में। ठीक है तब हम बताएंगे कि एलसी ऑसिलेशन हमारा होता क्या है। हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारा एक कंडक्टर लगा है और एक कैपेसिटर लगा है और उसमें हमारा एनर्जी का ऑसिलेशन होता है। कैसे होता है वो मैं आपको अभी समझाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, एक एक चीज ध्यान रखिए तब ये आएगा काम। ठीक है बच्चों चलिए अब चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा एलसी ऑसिलेशन। ठीक
तो बच्चों हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, सॉरी एक कैपेसिटर है और एक है बच्चों इंडक्टर, और उसको हमने जोड़ा है, एक सिस्टमेटिक जोड़ा है, ठीक है। तो देखिए पहले जो मैं आपको बात समझाता हूँ फिर उसके बाद आएंगे। हमने क्या लिया, हमने क्या किया, हमने एक फुल्ली चार्ज, ठीक है, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लिया, ठीक है, एक हमने फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लिया। हमारे पास देखिए ये कैपेसिटर है सी, ये फुल्ली चार्ज है, पूरी तरीके से चार्ज, जितना मैक्सिमम चार्ज हो सकता है ये है। और बच्चों इसके ऊपर सपोज करिए एक प्लेट पे इसका चार्ज हमारा क्यू नॉट है। और बच्चों हमने क्या किया कि हमने जो है यहां पर जो है एक इस तरीके से दोनों एंड के अक्रॉस एक वायर लिया और एक लगा दी की ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, हमने की को क्लोज किया, टच करा दिया, तो बच्चों क्या होगा कि हमारा जो है चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा और जो है बहुत ही कम समय में हमारा चार्ज इधर से इधर आ जाएगा और बच्चों तुरंत ही इमीडिएटली जो है ये दोनों ही प्लेट पे हमारा चार्ज जो है जीरो जीरो हो जाएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं बनेगा यदि हम कैपेसिटर के निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट एक सिंपल वायर से जो है कनेक्ट कर देते हैं, खत्म, चार्ज खत्म, कैपेसिटर का एक्शन खत्म, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है एक सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। अब बच्चों दूसरी कहानी आती है यहां पर, ठीक है, दूसरी कहानी आती है वो ये है कि हमारे पास एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, और फुल्ली चार्ज कैपेसिटर में क्या होता है कि चार्ज जो है हमारा क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज है हमारा क्यू नॉट इस पे है। अब बच्चों हम जो है इसको फिर से जोड़ रहे हैं, ठीक है, हम इसको फिर से जोड़ रहे हैं, लेकिन जोड़ने के साथ इसके रास्ते में हम लगा रहे हैं एक इंडक्टर, ठीक, एक इंडक्टर। अब बच्चों फिर देखिए क्या होगा कि चार्ज हमारा करंट के फॉर्म में फ्लो तो करेगा, लेकिन बच्चों पहले हमारे पास सिंपल वायर था, अब हमारे पास इंडक्टर है, तो इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी जो है यहां पर शो करेगा और अब पहले की तरह नहीं होगा कि चार्ज हमारा तुरंत जीरो हो गया। अब बच्चों यहां पे कहानी जाएगी बदल, क्या कहानी बदलेगी, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बच्चों उससे पहले एक बात बता रहा हूं आपको, इंडक्टर का जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल फंक्शन होता है वो पूरी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है, पूरी तरीके से पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर का एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है, एल जिसको बोलते हैं, ठीक, ये चीज हो गई बात। दूसरा होता है कि एक हमारा एल डी आई बाई डी टी, एक हमारा इसमें बैक ईएमएफ डेवलप होता है, करंट फ्लो करने के जो है करंट फ्लो के डायरेक्शन में हमारा ये जो है डेवलप होता है। और बच्चों इसकी एक तीसरी बात हमको पता होना चाहिए, हमको आना चाहिए कि लेंज ला क्या होता है, ठीक है, लेंज ला हमारा क्या होता है और ये किस तरीके से अप्लाई होता है, क्योंकि इसके अक्रॉस हमारा लेंज ला अप्लाई होगा और उसी लेंस के ला को जब अप्लाई करके हम समझेंगे तब हमें पता लगेगा कि एलसी सर्किट तो है, देखिए एलसी सर्किट हो गया, ये एल लगा, ये सी लगा, सर्किट है, एलसी सर्किट हो गया, लेकिन बच्चों यहां पे ऑसिलेशन किस चीज का हो रहा है, कैपेसिटर थोड़ी हमारा ऐसे ऐसे हिल रहा है, ना ही हमारा जो है इंडक्टर हिल रहा है, फिर भी ऑसिलेशन हो रहा है। तो बच्चों हमको ये बात पता होनी चाहिए तभी हम बता लिखेंगे कि हमारा ऑसिलेशन किस चीज का हो रहा है। बच्चों लेंजला थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूं, लेंजला क्या होता है, लेंजला होता है कि जब किसी, ठीक है, किसी क्वायल से रिलेटेड फ्लक्स हमारा इंक्रीज करता है, ठीक है, हमारा क्वायल से लिंक फ्लक्स हमारा इंक्रीज करता है तो उसमें इंड्यूस हमारा ईएमएफ ऐसा होता है कि वो इंक्रीज करने वाले फ्लक्स को अपोज करेगा। ये बात हुई पहली। दूसरी बात ये होती है कि अगर किसी क्वायल से लिंक फ्लक्स हमारा डिक्रीज करता है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होगा कि वो जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि ये हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करता है, मतलब जो हो रहा है उसके अपोज बिहेव करेगा। ये मैं पूरा आपको सेल्फ इंडक्टेंस वाले और लेंजला वाले वीडियो में बता चुका हूं कैसे होता है, और ये ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे देखिए क्या हुआ कि हमारे पास एक क्वायल है ऐसे,
इसमें हम जो है एक इस तरीके से इधर लाते हैं जब इसको, तो देखिए क्या वो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा कि इसमें डायरेक्शन हमारा इस तरीके से जो है डेवलप होगा करंट का, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास इधर होगा, तो मतलब क्या हुआ कि ये अपोज कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों यदि हम इसको जो है इस डायरेक्शन में ले जाएं तो इसके करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर के ये ऐसा काम करता है कि यदि हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड या करंट इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए एक ईएमएफ डेवलप कर देगा कि हमारा जो है करंट डिक्रीज हो, और यदि करंट डिक्रीज हो रहा है तो बच्चों ऐसा वो बिहेव करेगा कि हमारा करंट इंक्रीज हो। ये बच्चों लेंज लॉ है, इसके एप्लीकेशन को आप देख लीजिएगा, पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा है, वही चीज यहां पर होगी और देखिए क्या होता है। ठीक, चलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए दूसरी बात जो आपको नोट करनी है वो देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, नोट करिए इसको, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको नोट कर लीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है 1/2 Q² / C, और एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर होता है 1/2 LI² इस तरीके से होता है। ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर इतना होता है, एनर्जी स्टोरिंग इंडक्टर इतना होता है, इसको नोट कर लीजिए, ये भी अभी काम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम दिखाते हैं आपको कि जब हम इसके स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा क्या होता है। ठीक, मैं इसको बिगाड़ करके फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, जरा देखिएगा क्या हो रहा है। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि हमने निगेटिव पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर को क्या किया, एक सिंपल वायर से जोड़ दिया, तो हमारा तुरंत एक प्लेट से चार्ज दूसरे प्लेट पे गया और जो है चार्ज हो गया जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमने जो है यहाँ पर बीच में लगा दिया इंडक्टर, और इंडक्टर जब यहाँ पे लग जाता है तो क्या होता है वो देखिए, चार्ज यहां से चलेगा। ठीक है, चार्ज जब मूव करता है बच्चों तो वो ले लेता है करंट का फॉर्म, मतलब हम कहेंगे कि हमने जो है जैसे ही स्विच ऑन किया, देखिए बात को ध्यान रखिएगा, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया t = 0, तो बच्चों करंट हमारा कितना था, 0 था, बिल्कुल एट द मोमेंट ऑफ जो है जब हमने स्विच को ऑन किया तब हमारा करंट था 0। ठीक, अब बच्चों हमारा थोड़ा समय बीत जाएगा, t = t हो गया, मतलब कोई समय बीता, तो बच्चों क्या होगा कि यहां पर एक करंट हमारा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और ये करंट बच्चों यहां से पास होने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक इसका एक्शन आ जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है एक ईएमएफ डेवलप कर देगा, और वो ईएमएफ होगा -LdIdt। देखिए DiDt क्यों लिखा हमने, हम बताएं, क्योंकि देखिए समय के साथ करंट का मैग्नीट्यूड बदलेगा, जितना चार्ज स्टोर है वो अब एक झटके में नहीं आ पाएगा, उसको मजबूरी हो जाएगी कि वो धीरे धीरे आए, और टाइम के साथ हमारा करंट का मैग्नीट्यूड बदलेगा। इधर हमारा इस डायरेक्शन में एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा और वो इस चार्ज को धीरे 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 जो है पास करने की कोशिश करेगा। ठीक है, रोकने की कोशिश करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा, करंट फिर भी हमारा इधर से इधर आकर के ऐसे डिपॉजिट होगा, ये हमारी हुई प्रोसेस नंबर 2। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि एक समय ऐसा आएगा कि थोड़ी देर के बाद जो इसके ऊपर पूरा चार्ज है वो 0 हो जाएगा, और वो चार्ज हमारा क्या होता है, करंट के फॉर्म में हमारा यहां पर जो है फंसा रहता है। ठीक है, मतलब चार्ज चला, चार्ज पूरी तरह यहां पहुंच नहीं पाया, लेकिन यहां पर चार्ज हमारा करंट के फॉर्म में जो है इस इंडक्टर के बीच में हमारा फंसा रहता है प्रेजेंट रहता है। उस कंडीशन में जब हमारा पूरा चार्ज निकल के सर्किट में आ गया, यानी कि मैक्सिमम चार्ज जो था वो निकल के सर्किट में आ गया, उस समय बच्चों यहां पर करंट मैक्सिमम हो जाता है,
और इस पे चार्ज जीरो हो जाता है, यही मैक्सिमम करंट यहां आ जाता है और बच्चों जितनी एनर्जी यहां पे स्टोर थी वो एनर्जी यहां स्टोर हो जाती है। अब देखिए होगा क्या, अब क्या होगा, ये जाना इधर छोड़ा, ये तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि चार्ज जीरो हो गया, पूरा का पूरा चार्ज हमारा यहां पे मैक्सिमम करंट के फॉर्म में इसके बीच में है और यहां पर आ गया। अब देखिए क्या होता है, ये फ्लो हमारा रुकेगा नहीं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको ऑसिलेशन के फॉर्म में। क्या होगा, ये फ्लो हमारा रुकेगा नहीं, यहां से चार्ज जाना जो है चालू रहेगा, करंट के फॉर्म में चार्ज जाना चालू रहेगा, आई नॉट, ठीक है, आई नॉट। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही, अब देखिए क्या हुआ कि करंट मैक्सिमम यानी जितना ही चार्ज हमारा था वो बच्चों सारा का सारा इसमें आके फंस गया। अब ये हमारा आगे ऐसे जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि हमारा फ्लो इधर बन गया, अब एकदम से रोकना चाहेंगे तो रुकेगा नहीं। होता क्या है बच्चों, देखिए होता ये है कि हमने इसको यहां पे छोड़ा, ठीक है, इसको हमने छोड़ा तो बच्चों यहां पे जब आता है मेन पोजीशन पे तो इसको एक वेलोसिटी मिल जाती है और ये उस वेलोसिटी की वजह से आगे आता है, हम इसको अपने आप नहीं रुकेगा, ठीक है, ऑसिलेशन का ये रूल है कि यहां पे हमने छोड़ा ग्रेविटेशन के कारण नीचे आ गया, अब बच्चों जब ये आ गया तो यहां पे कोई फोर्स नहीं लगती, लेकिन चूंकि इसके अंदर एक वेलोसिटी आ गई तो ये आगे भागता है। अब देखिए वही चीज यहां पे हो रही है, होता क्या है कि मैक्सिमम करंट हमारा आ गया, जितना चार्ज था सब निकल गया, मैक्सिमम करंट इस टाइम में यहां पे है और बच्चों यहां से ये जा रहा है, ठीक है, अब देखिए ये रुकेगा नहीं क्योंकि फ्लो हमारा बना हुआ है। तो बच्चों अब मैक्सिमम के बाद हमारा क्या बचा, अब करंट हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है, करंट हमारा अब डिक्रीज होगा यहां पे, तो डिक्रीज होने के टाइम क्या होगा, थोड़े समय के बाद फिर ये जो है यहां पर इस तरीके से आ जाएगा और बच्चों ये चार्ज हमारा जाकर के यहां पर स्टोर होने लगेगा दोबारा, तो ये बच्चों हमारा प्लस हो जाएगा और ये माइनस होने लगेगा, ठीक है, ये रोकेगा नहीं। अब देखिए यहां पे कंडक्टेंस का फिर से प्रॉपर्टी आती है, अब देखिए ये करंट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, ऐसा बिहेव करेगा कि करंट को इंक्रीज करे, तो इस डायरेक्शन में जो है अब हमारा इसको पुश करेगा और एल डी आई बाई डी टी जो अभी हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लगने लगेगा और ये जितना करंट है ये इसको इधर से बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा और यहां पे हमारा चार्ज माइन प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब जो है करंट और डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा और हमारा जो है ईएमएफ जो है वो धीरे धीरे इधर बढ़ता जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, पूरा कुछ समय के बाद क्या होगा कि जितना चार्ज इधर स्टोर था वो बच्चों थोड़ी देर बाद जो है इधर स्टोर हो जाएगा पॉजिटिव और इधर निगेटिव हो जाएगा और बच्चों वो थोड़ी समय के बाद जो है फिर हमारा यहाँ पे कोई भी ईएमएफ नहीं बचेगा और यहां पर जो है क्या होता है फिर ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ, इनिशियली हमारे पास क्या था, इनिशियली बच्चों हमारे पास क्या था, हमारे पास चार्ज प्लस क्यू नॉट इधर था माइनस क्यू नॉट इधर हो गया था, ठीक है। अब हमने इंडक्टर इसमें लगाया तो हुआ क्या कि हमारा प्लस क्यू नॉट इधर आ गया माइनस क्यू नॉट इधर आ गया, ठीक है। और अब देखिए क्या होता है, फिर यही कहानी आ गई, अब फिर बच्चों क्या होगा कि फिर से ये क्यू नॉट इधर रिवर्स कर लेगा और फिर एक बार ये प्लस क्यू नॉट हो जाएगा ये माइनस क्यू नॉट होगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि चार्ज एक बार इधर आता है प्लस फिर इधर जाता है और इसी को बच्चों इसमें ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, देखिए अभी जब यहां पे इस कंडीशन थी तो हमारा ऐसा सिस्टम बना कि हमारे पास प्लस क्यू नॉट इधर आ गया माइनस क्यू नॉट इधर आ गया। अब बच्चों जब ये सिचुएशन स्टेब्लिश हो जाती है तो फिर करंट हमारा इधर से ऐसे चलता है और फिर थोड़ी देर बाद प्लस क्यू नॉट इधर आता है माइनस क्यू नॉट इधर आ जाता है, ठीक है। ये चीज हमारी चलती रहती है और बच्चों यही चीज हमारी कहलाती है ऑसिलेशन, यही चीज हमारी कहलाती है ऑसिलेशन। मैंने अपनी बात आपको एक्सप्लेन कर दी, अब मैं इसके हर स्टेज का जो है आपको फिगर बना के दिखाता हूं, फिर आपके बाद ज्यादा क्लियर हो जाएगी कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। और बच्चों इसमें जो है हमारा जो है लगता है सिंपल सा लेंजला का फॉर्मूला और लेंजला जो है हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है जिसका ये वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है
और बच्चों क्या होगा, इसके ऊपर जो है माइनस क्यू नॉट है, इसके ऊपर प्लस क्यू नॉट है, और बच्चों हमने जो है इसको एक इंडक्टर के अक्रॉस ऐसे लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। अब बच्चों देखिए क्या है कि हमारा जो है की ओपन है, की ओपन है, इसको देखिएगा अभी यहां से कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ कि हमने की को किया क्लोज, तो की को जब क्लोज किया तो उस समय टाइम हमारा था जीरो और करंट भी जीरो था, यह है जस्ट आफ्टर जब हमने जो है वहां पर जो है स्विच को ऑन किया तब टाइम जीरो वहां से काउंट किया, करंट भी हमारा जीरो था, ये पहली सिचुएशन हमारी बनती है। चलिए अब क्या हुआ कि थोड़ा सा समय हमारा जो है बीत गया, थोड़ा सा समय हमारा जो है पास हो गया। अब जब थोड़ा सा समय पास हो गया तो इस थोड़े से समय में क्या हुआ कि हमारा जो है थोड़ा सा चार्ज यहां से पास हुआ, ये बच्चों प्लस प्लेट है, ये माइनस है, चार्ज अब हमारा क्यू नॉट से घट करके क्यू हो गया और ये भी क्यू हो गया इस तरीके से, ठीक है। और बच्चों यहां पे एक करंट हमारा आई यहां पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई फ्लो हो रहा है, जितना चार्ज आया उसके हिसाब से करंट आ गया। बच्चों उस कंडीशन में यहां पे माइनस एल डी आई बाई डी टी, इस डायरेक्शन में एक ईएमएफ डेवलप होगा जो कहेगा तुम इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, क्योंकि जो है लेंजला ये कहता है कि जिस रीजन से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये अपोज करेगा, और बच्चों क्या होता है कि इसको इधर भगाने की कोशिश करता है भगा नहीं पाता, करंट इधर आएगा लेकिन धीरे धीरे आता है और इधर जाने लगता है, ठीक है। थोड़े समय बाद क्या होता है कि कैपेसिटर का पूरा चार्ज जो है वो आ जाता है सर्किट में और करंट के फॉर्म में हमारा इंडक्टर में आ जाता है। क्या हुआ, ये तीसरी कंडीशन बन रही है बच्चों हमारी कि हमारा जो है सारा चार्ज निकल गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और बच्चों मैक्सिमम करंट जितना आई नॉट मान लो ये हमारा यहां पे रहता है। अब बच्चों इसका फ्लो बना हुआ है, ठीक, फ्लो बना हुआ है, तो ये मैक्सिमम करंट बच्चों हमारे पास इस तरीके से यहां चला जाता है। अभी देखिए समय नहीं रुका, हमारा जो करंट फ्लो हो रहा था वो इसमें फ्लो हो रहा है, वो गया नहीं, वो इधर जाता रहता है जाता रहता है जाता रहता है, और क्या करता है कि करंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहां से चलता है और बच्चों अब इस प्लेट पे डिपॉजिट होने लगता है। तो बच्चों एक हमारे पास सिचुएशन और बनती है इस तरीके से कि अब थोड़ी समय के बाद जो है हमारा जो है ये देखिए इस तरीके से ये आया और ये आया, ये वाला प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और ये निगेटिव चार्ज इस तरीके से होता है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या होगा, यहां पे एल डी आई बाई डी टी फिर यहां पे डेवलप होता है, लेकिन पहले ये माइनस था इधर था लेकिन अब ये इधर करने लगा, देखिए चार्ज हमारा इधर जा रहा है पॉजिटिव, ठीक है, और धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज हमारा कम हो रहा है, कम होने के कारण इसमें करंट कम होगा तो इस डायरेक्शन में इसका ईएमएफ डेवलप होगा कि उसी डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में करंट हमारा कम हो रहा है, मतलब यहां देखिए इंक्रीज हो रहा था तो बैक भेज रहा था, यहां देखिए करंट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो उस करंट को बढ़ाने के लिए इधर पुश करता है, और इसके इस नेचर के कारण जो है सारा करंट हमारा यहां से निकलता है। और करंट का डायरेक्शन बच्चों क्या होता है, करंट का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही तो हम करंट कहते हैं। तो होगा क्या कि वो करंट हमारा पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में जाकर के इस प्लेट पे डिपॉजिट होने लगता है और धीरे धीरे करके ये यहां पे डिपॉजिट हो जाता है, और फिर क्या होता है बच्चों थोड़ी देर बाद इसके अंदर जितना भी चार्ज होता है, ठीक है, जितना भी चार्ज होता है वो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो इस वाले प्लेट पे आ जाता है। और देखिए कंडीशन क्या बनी कि हमारा जो है मैक्सिमम चार्ज पॉजिटिव क्यू नॉट इधर आ गया और निगेटिव क्यू नॉट इधर आ गया। इनिशियल कंडीशन क्या थी कि पॉजिटिव चार्ज इधर था निगेटिव चार्ज इधर था, लेकिन इंडक्टर लगा देने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी की वजह से हुआ ये कि ये वाला जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये वाला हमारा हो गया निगेटिव चार्ज ड्यू टू दिस इंडक्टर। अब देखिए ये हमारी आई मेन पोजिशन, ठीक है, मेन पोजिशन आई। अब बच्चों चार्ज क्या है, चार्ज भैया चलना जानता है, अगर उसको रास्ता मिलेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं मिलेगा तो वहीं रहेगा।
अब बच्चों देखिए फिर क्या हुआ, अब ये फुल्ली पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये जो हो गया तो क्या होता है कि फिर ये पॉजिटिव चार्ज इधर चलना शुरू करता है करंट के फॉर्म में, पॉजिटिव चार्ज इधर चलना शुरू करता है करंट के फॉर्म में, और यही सिचुएशन जो पहले इधर थी, जो इधर से आ रहा था, अब यहां से ये स्टार्ट हो गई। फिर क्या होता है कि अब यहां से करंट चलेगा, ठीक है, देखिए ऐसे होगा, ठीक है, थोड़ा समय बीतेगा, ये वाला पॉजिटिव क्यू हो जाएगा, ये क्यू नॉट हो जाएगा, इसमें करंट आई होगी जो इधर से ऐसे निकलेगी, ये देख लीजिए। अब क्या हुआ कि मैक्सिमम चार्ज जो क्यू था वो इधर चलेगा और ये कहानी फिर ऐसे बनेगी, ठीक। फिर क्या होगा, थोड़े समय के बाद फिर देखिए क्या होगा कि दोनों ही प्लेट पे चार्ज हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही प्लेट पे चार्ज जीरो हो जाएगा और सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पे इस तरीके से सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहां पे इस तरीके से आ जाएगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर था, देखिए यहां पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर था और इस इंडक्टर की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज हमारा धीरे धीरे वहां पे जाकर स्टोर हो गया, तो ये वाला चार्ज, ये वाला प्लेट पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये मैक्सिमम पॉजिटिव हो गया, मैक्सिमम निगेटिव हो गया, ठीक है। और बच्चों जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो फिर चार्ज ज्यादा होने की वजह फिर ये इधर चालू हो गया, अब ये बैक आ रहा है, फिर क्या होता है ये हो जाता है। थोड़े समय के बाद क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज हमारा इस तरीके से आ गया, फिर क्या होगा यहाँ पे कि एक स्टेज ऐसी आएगी, स्टेज ऐसी आएगी कि फिर जो है यहां पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज इधर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और देखिए क्या होता है, ये आया ऐसे और करंट हमारा देखिए इधर आ गया। अब करंट देखिए डिक्रीज होगा, ठीक है, इस तरीके से करंट डिक्रीज होगा, धीरे धीरे करके पूरी तरीके से फिर पहुंच जाएगा और फिर एक बार यहां पे ऐसा होगा कि जो है हमारा मैक्सिमम चार्ज जो था वो जो है पहुंच गया, प्लस क्यू नॉट इधर, माइनस क्यू नॉट इधर, ये हो गया, ठीक है। इसको पूरा आप देख लीजिए, इसको पूरा आप समझ लीजिए, यही होता है एलसी ऑसिलेशंस में। क्या होता है बच्चों कि हमारा ऑसिलेशन हो रहा है चार्ज का, बात को समझिएगा, चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वाली प्लेट थी, वहां से करंट चला, ऐसे ऐसे आया बच्चों, करंट हमारा जैसे बढ़ा आगे थोड़ा सा पहुंचा तो यहां पे चार्ज कम हुआ, यहां पे करंट बढ़ा और बच्चों यहां पर ईएमएफ थोड़ा सा बैक ईएमएफ डेवलप हो गया, लेकिन इधर से आता रहा और एक समय ऐसा हुआ कि यहां पे चार्ज जीरो हो गया, वो पूरा का पूरा चार्ज जो हमारे कैपेसिटर में स्टोर था वो बच्चों करंट के फॉर्म में सर्किट में आ गया, और उस कंडीशन में जब चार्ज जो स्टोर था वो करंट के फॉर्म में सर्किट में आ गया तो मैक्सिमम चार्ज हो गया। अब इससे ज्यादा जो है नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम करंट हो गया, जितना चार्ज था हमारा वो सब सर्किट में दौड़ा, यानी मैक्सिमम करंट हो गया, तो बच्चों यहां पे मैक्सिमम करंट आ गया। अब बच्चों यहां पे फ्लो ऑफ चार्ज बना होता है पूरे जोश में, तो वो आगे इसको भिजता जाता है। अब बच्चों करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो जब जाता रहता है तो अब बच्चों जब थोड़ी देर मैक्सिमम के बाद पहुंचने के बाद ये कम होता है तो जो है इंडक्टर का नेचर उसके इस फ्लो को जो है वो मेंटेन रखता है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट पे स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये तब तक स्टोर होता रहता है जब तक जो है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहां पर नहीं आ जाता। लास्ट में कंडीशन बनती है कि ये वाला प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और ये वाला प्लेट निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये कंडीशन का जस्ट अपोजिट कंडीशन ये बनती है। फिर क्या हुआ, अब ये फुल्ली चार्ज हो गया फिर से, और बच्चों क्या होता है कि ये वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, लेकिन जब फुल्ली चार्ज ये दोबारा हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर चार्ज जो है अपना खेल फिर दिखाता है और ये इधर से ऐसे चलना शुरू होता है। तो जब चलता है तो बच्चों थोड़े समय के बाद चार्ज कम होकर के क्यू हो जाता है, माइनस क्यू हो जाता है, और फिर जो है इधर चलता है, सेम प्रोसेस इधर होता है और यहां पर आकर के फिर एक बार मैक्सिमम करंट मिनिमम चार्ज हो जाता है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में ये फिर से स्टोर होने लगता है और फिर बच्चों देखिए हमारा इसी कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। ये बच्चों ऑसिलेशन है। अभी जो तुम्हें आपको हम दिखा रहे हैं सभी लोगों को, उसमें क्या है कि आपका देखिए चार्ज का ऑसिलेशन हुआ,
पॉजिटिव, बीच में आया पॉजिटिव इधर, फिर उसके बाद नेगेटिव इधर आ गया, बच्चों फिर आ गया। अगर आप देखें तो ये और ये, ठीक है, ये हमारे पास एक कंडीशन इनिशियल कंडीशन थी, ये बीच वाली कंडीशन आई, और बच्चों ये फाइनल कंडीशन फिर हमारी वही आ गई, जहां से हम चले थे वही चले गए, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये हमारा ऑसिलेशन होता है, बच्चों इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। बच्चों अगर हम सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों इसमें चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम इंडक्टर के हिसाब से देखें तो बच्चों इसमें करंट का ऑसिलेशन हो रहा है, यहां करंट जीरो, यहां करंट, फिर मैक्सिमम करंट आया बच्चों, मैक्सिमम के बाद फिर जो है देखिए करंट इंटरमीडिएट में, फिर करंट हमारा जीरो यहां पे आया, और फिर बच्चों देखिए हमारा मैक्सिमम करंट हो गया, ठीक है, मैक्सिमम करंट हो गया, और फिर बच्चों लास्ट में जीरो। तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, इसी बात को बच्चों हम ऑसिलेशन कहते हैं। तो पहली बात तो हमने आपको एक बात बताई कि हमारा चार्ज के फॉर्म में ऑसिलेशन हो रहा है कैपेसिटर के बीच में, करंट के फॉर्म में बच्चों हमारा ऑसिलेशन हो रहा है इंडक्टर के बीच में। लेकिन बच्चों ओरिजिनली में क्या होता है कि हमारा जो है यहां पे ऑसिलेशन होता है जो है एनर्जी के फॉर्म में। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। अब देखिए यहां पर बच्चों कैपेसिटेंस इसका सी है, तो एनर्जी जो यहां पे होगी वो होगी 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। देखिए इतनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि चार्ज हमारे पास इतना हो गया और करंट इसमें आई हो गया। तो बच्चों देखिए यहां पर जो एनर्जी होगी वो होगी 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, और यहां पर जो होगी बच्चों एनर्जी वो होगी 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए यहां पे मैक्सिमम करंट हो गया, तो बच्चों यहां चार्ज बचा नहीं, तो देखिए ये क्या हुआ कि यहां पर देखिए इस तरीके से चार्ज हो गया जीरो, तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हो गई जीरो, और यहां पे जो है करंट मैक्सिमम हो गया, तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर हो गया मैक्सिमम वो हो गया इतना। जब हम आगे चलते हैं तो देखिए फिर हमारे पास एनर्जी हमारी जो है इसमें स्टोर हो रही है, और इस समय एनर्जी इसमें हो जाएगी 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, और यहां पर करंट आई है, तो यहां पर बच्चों हमारी जो है यहां पर जो हमारी जो है एनर्जी स्टोर होगी वो होगी 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है। देखिए पॉजिटिव चार्ज हमारा सब इधर जाकर स्टोर हो रहा है, ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। अब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसमें चला गया, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, अब यहां पे करंट जीरो है तो इसमें एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी जीरो हो गई, और यहां पे चार्ज मैक्सिमम हो गया, तो 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, फिर इंटरमीडिएट पोजिशन आई, तो इसमें हमारी एनर्जी हो गई 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, और यहां पे आ गई 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है, 1/2 एल आई स्क्वायर इस तरीके से आया। और बच्चों थोड़ी देर बाद फिर देखिए क्या होता है कि यहां पे एनर्जी हमारी कितनी हो गई, एनर्जी हो गई हमारी फिर देखिए यहां चार्ज जीरो, तो एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में जीरो हो गई, यहां पे हो गई एल इक्वल टू 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी जो यहां पे आ गया E इक्वल टू 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर। फिर बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर फिर चार्ज हमारा क्यों हुआ, यहां पे करंट आई हुआ, तो बच्चों दोनों में एनर्जी होगी वो हो गई बच्चों 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, और यह आ गया 1/2 एल आई स्क्वायर, देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों लास्ट में आकर के फिर वही हो जाती है कि ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, और एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, इस तरीके से हो गई। तो बच्चों हम इसको जिस तरीके से समझना चाहें समझ लें कि चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है कैपेसिटर में, या हम कहें कि हमारा जो है करंट का ऑसिलेशन हो रहा है इंडक्टर में, या हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो है एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में, ये पूरी इसकी कहानी है। अभी इसकी इक्वेशन बना करके मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, एनालाइज कीजिएगा, सोचिएगा, ठीक है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसको जो है जो बात हो रही है सर्किट में वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को जो है हम जो है इस पूरी कहानी को जो है हम इक्वेशन में बना करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से आता है ये, फिर देखिएगा इसका ऑसिलेशन के इक्वेशन जो मैंने स्टार्टिंग में आपका लिखवाया था उससे किस तरीके से ये कंपेयर होगा,
ठीक है, उसे किस तरीके से कंपेयर होगा उस चीज को देखिएगा। हमें ऑसिलेशन का कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए था, जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम बनाते हैं इसकी इक्वेशन। ठीक, तो देखिए क्या हुआ यहां पे, ये हमारे पास इस तरीके से एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है और इसको हमने स्टार्टिंग में यहां पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये Q नॉट है माइनस और ये Q नॉट है प्लस का, ऐसे ये L है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, जब T इक्वल टू जीरो है तो करंट हमारा जीरो, ऐसे नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, इसको मैं इधर बना देता हूं तो सही आएगा। ठीक, ये देखिए क्या हुआ, ये हमारा जो है कैपेसिटर है जो जिसके अक्रॉस एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक, इसकी कैपेसिटेंस हमारी है C, इसका इंडक्टेंस है हमारा जो है L और चार्ज है इसके ऊपर Q नॉट मैक्सिमम वाला। ठीक है, और बच्चों ये हमारा हो गया, ये कंडीशन तब है जब T इक्वल टू जीरो है और करंट हमारा यहां पे जीरो है, इनिशियल कंडीशन ये हमारी। थोड़े समय के बाद बच्चों क्या हुआ कि हमारा जो है टाइम बीटा टी और इसमें करंट हमारा जो है वो हमारा फ्लो हो रहा है आई। ये बच्चों आफ्टर टाइम टी की कंडीशन है, जब करंट हमारा इसमें आई हो गया और चार्ज इसके ऊपर क्यू हो गया, इसके ऊपर माइनस क्यू हो गया और बच्चों यहां पर एक ईएमएफ आ गया एल डी आई बाई डी टी, ऐसे आ गया। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब देखिए हम कर गए बच्चों, हम यहां पर सिंपल सा लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, इंटरमीडिएट इनिशियल स्टेज में नहीं लगा रहे, इंटरमीडिएट स्टेज में हम लगा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। तो यहां पे लिख लीजिए आफ्टर आफ्टर टाइम टी ऑन अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ये हमने किया। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इधर से इधर ऐसे घूमते हैं। ठीक है, इधर से हम इधर जा रहे हैं। किरचॉफ लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। किरचॉफ लॉ क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा वी जीरो हो रहा है हमारा, तो उसी को हम यहां अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, यानी V इज इक्वल टू हो गया Q बाई सी। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हुआ कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ हमारा कैपेसिटर के बीच में, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर हम आ रहे हैं, तो बच्चों यहां पे होगा हमारा पॉजिटिव V। ठीक है, ये हो गया। अब जब हम इधर चले ऐसे, तो बच्चों हम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो है निगेटिव पोटेंशियल की ओर आ रहे हैं, तो बीच में हमारा आएगा माइनस V। बच्चों यहां पे कितना है, वो है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो बच्चों हम इसके साथ यहां लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर जीरो, हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे हमने लिखा Q, V कितना हमारा Q बाई सी, तो हमने लिखा Q बाई सी प्लस, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी और बच्चों ये हो गया हमारा जीरो। ठीक, अब बच्चों देखिए आई क्या होता है, आई होता है हमारा डी क्यू बाई डी टी, किसी भी टाइम पे होता है हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड में, तो हमारा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा डी आई बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हमको मिलेगा। ठीक है, ये हमको मिला बच्चों, हम क्या करते हैं कि हम इसको डी आई बाई डी टी की जगह डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर लिख देते हैं। तो बच्चों जरा हम दूसरे हिसाब से इसको लिखेंगे, क्या गया एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी बराबर जीरो, ये आ गया। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी आया डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी बराबर जीरो।
ठीक है, हम एल को इधर कर देते हैं तो आ गया डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी बराबर जीरो। ठीक है, ये हमको एक इक्वेशन फाइंड आउट हुई और ये इक्वेशन हमारी है बड़ी इंपॉर्टेंट, जरा इसको आप करिए नोट, फिर हम आपको आगे की बात करते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि हमारा चार्ज आगे चल रहा है और किस तरीके से वो वेरी कर रहा है उसकी एक इक्वेशन हमको यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट हुई। इस पूरे जो कहानी को आप कर लीजिए नोट, फिर मैं आगे की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक, इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखूंगा और फिर देखिए हम बनाते हैं इसकी एनालॉगी ऑसिलेशन के उस इक्वेशन से जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में लिखवाई थी। तो बच्चों हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू जीरो। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है ऑसिलेशन का एक डिफरेंशियल इक्वेशन रखा लिखा था, वो था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। जरा इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, दोनों एक दूसरे की एनालॉगी है। इसमें क्या है कि हमारा पेंडुलम था वो डिस्प्लेस हो रहा था इधर x से इस तरीके से, तो बच्चों हमारा जो है बन रहा था ऑसिलेशन का ये इक्वेशन। इसमें क्या है कि हमारा चार्ज हमारा इधर से उधर, उधर से पॉजिटिव से प्लेट से जाकर के इधर जाता है, पॉजिटिव था फिर इधर आता है, तो चार्ज हमारा इधर से उधर हो रहा है इस इंडक्टर की वजह से। तो बच्चों इसमें ऑसिलेशन हो रहा है चार्ज का, ठीक है, या हम कहें कि करंट का, या हम कहें कि एनर्जी का, क्योंकि चार्ज है तभी करंट है और जब करंट है तभी एनर्जी है। तो इसलिए बच्चों हम एक दूसरे के फॉर्म में इसको बदल सकते हैं, कह सकते हैं इसे। तो बच्चों क्या हुआ कि यहां पे देखिए चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है, यहां पर बच्चों आ गया हमारा जो है फिजिकल पेंडुलम हमारा ऐसे ऐसे इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा था। ठीक है, ये हमको होता हुआ दिखाई देता है, हमें बात समझ में आ जाती है और ये हमको देखना पड़ता है क्योंकि सर्किट में बहने वाला करंट हमको दिखाई नहीं देता, उसको हम चेक करते हैं वोल्टमीटर से, उसको हम देखते हैं एनर्जी कितना स्टोर हुआ उसमें, या बच्चों हीट से देखते हैं, जैसे देखना चाहे देखें। तो बच्चों ये हमने आपको ऑसिलेशन दिखाया कि चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है, यहां पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट से ऑसिलेशन हो रहा है। तो बच्चों जैसे इसका हमारा आया था, क्या आया था इसका, इसका आया था हमारा एक जनरल इक्वेशन, उसी तरीके से इसका भी एक जनरल इक्वेशन आया था। तो बच्चों जरा इसको हम दूसरे हिसाब से लिखते हैं फिर देखे क्या होता है। ठीक है, ये देखा गया डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वन बाई जो है वन बाई एल सी इंटू क्यू बराबर जीरो, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों ये हमारा चार्ज के ऑसिलेशन की इक्वेशन बनी है। बच्चों अब इसको यदि कंपेयर करेंगे तो बच्चों जो इसमें ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर उसकी जगह आ रहा है वन अपॉन एल सी आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कंपेयर करें दोनों को, तो इसमें जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है वन अपॉन एल सी, यानी ओमेगा आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक है, वन अपॉन अंडर रूट एल सी, ये ओमेगा की वैल्यू बच्चों हमारे पास हो गई। चलिए अब देखिए क्या करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे इसको ओमेगा लिख देते हैं, तो क्या हुआ है हमारे पास डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू बराबर जीरो, और ये हो गया ओमेगा इसका, ये ओमेगा अलग है, ये हमारा पेंडुलम के हिसाब से ओमेगा है और ये बच्चों हमारा जो है एलसी सर्किट का ओमेगा है, दोनों अलग है, मैंने दिखाने के लिए आपसे कहा। बच्चों यहां पे जो हमारी जनरल इक्वेशन आई थी वो आई थी एक्स बराबर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे आया था। बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, हमारा पर्पज जो था आपको ये इक्वेशन लाने का पर्पज था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था, जो पीछे लिखा है उसको देख लीजिएगा। यहां पर भी ये देखिए डिस्प्लेसमेंट है, ये चार्ज है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम चार्ज है,
ये ओमेगा है, ये ओमेगा है, टाइम टाइम है, और बच्चों फाई यहां पे इनिशियल फेज था, ये भी इनिशियल फेज हो गया। फाई क्या है? इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल। अब बच्चों हम इसको बिगाड़ रहे हैं, अब यहीं से बात स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि हमारा यहां पे फाई कितना होता है। ठीक है, हम इस चीज को यहां पे देखेंगे। चलिए अब बच्चों इसको मैं बिगाड़ रहा हूं, ये इसकी एनालॉजी थी वो मैंने आपको करवा दी। चलिए अब देखिए क्या होता है, ये सब बिगाड़ देता हूं, अब इसको सॉल्व करना है और हमारी कुछ नई चीजें आएंगी उसको हम देखेंगे। हमारे पास जो आया हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने से जो आया, जो हमारे पास निकल के आया वो देख लीजिए क्या आया। हमारे पास जो एक इक्वेशन आई चार्ज की, वो आई क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे आया। और बच्चों दूसरा हमारा निकल के आया कि ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी, ये वैल्यू हमारी निकल के आई। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा पर्पस क्या है कि हमारा जो फाई कितना हो, इनिशियल फेज। इनिशियल का मतलब क्या हुआ, जब टाइम हमारा कितना था, जब टाइम हमारा टी था। ठीक है, तो बच्चों चार्ज हमारा कितना निकल के उधर से उधर गया। ठीक है, जब टाइम हमारा टी था तो बच्चों चार्ज हमारा उस पे क्यू नॉट था। ठीक है, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज था। ठीक है, जैसे हमने इससे इनिशियली जब लिया था, जब कैपेसिटर हमने इनिशियली लिया था, तो इनिशियली हम जो हमारा फुल्ली चार्ज था Q नॉट मैक्सिमम चार्ज बच्चों इसके ऊपर था इस तरीके से, तो Q हमारा Q नॉट था। तो बच्चों देखिए हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू Q नॉट, ये हो गया Q नॉट साइन ओमेगा को ओमेगा के, टाइम हमारा जीरो और बच्चों आ गया फाइव। तो बच्चों देखिए क्या आएगा, ये गया कट तो आ गया वन। ठीक है बच्चों, ये आ गया वन, और वन की जगह बच्चों क्या आएगा, यहां पे लिखेंगे साइन। ठीक है, साइन ये जीरो हो गया, बचा फाइव, तो बच्चों आ गया फाइव बराबर आ गया 90, मतलब इनिशियल फेज हमारा 90 था। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसमें 90 रखते हैं। तो बच्चों जो हमारा आया फॉर्मूला वो है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये आ गया बच्चों। अब क्या होता है, साइन ओमेगा टी प्लस 90 बच्चों होता है हमारा कॉस ओमेगा टी, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये आ गया हमारे पास कॉस ओमेगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से ये हमारा निकल के आ गया बच्चों। ये हुआ हमारा चार्ज का इक्वेशन, इस वाले सर्किट में चार्ज हमारा जैसे ऑसिलेट कर रहा है वो बच्चों हमारे पास ही आ गया। ठीक है, और ये बच्चों हमारा अप्लीकेबल होगा कैपेसिटर के बीच। ठीक, तो बच्चों जो हमारा इसको मैं बिगाड़ रहा हूं, कैपेसिटर में जो हमारा चार्ज ऑसिलेट हो रहा है उसकी इक्वेशन बच्चों हमारे पास ये आई। अब बच्चों चार्ज यहां से चला, यहां पहुंच के बन गया करंट। ठीक है, चार्ज हमारा जब तक स्टोर है कैपेसिटर में तब तक वो चार्ज है, जब वहां से चलेगा तो करंट के फॉर्म में चलेगा। तो बच्चों अब हम करंट निकालते हैं कि करंट हमारा इसमें से पास कितना हो रहा है। तो बच्चों ये हमारा है Q इक्वल टू Q नॉट साइन, Q इक्वल टू Q नॉट कॉस कॉस ओमेगा टी, ऐसे आया। बच्चों हमें करंट निकालना है तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ये आ गया Q नॉट। ठीक है, और ये आ जाएगा कॉस को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस साइन ओमेगा टी और बच्चों ओमेगा, ऐसे आएगा। ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो बच्चों ये हमारा डी क्यू बाई डी टी बन जाएगा आई, और बच्चों ये हो जाएगा क्यू नॉट ओमेगा माइनस का, और ये आ गया साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, यहां पे देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों। इसको हम यदि लिखेंगे तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर बच्चों आई नॉट जो है वो है हमारा Q नॉट ओमेगा। ठीक है, Q नॉट ओमेगा, और बच्चों जो माइनस है हमारा ये हमको दिखा रहा है कि चार्ज हमारा कम हो रहा है। देखिए यहां पर डी क्यू बाई डी टी लिखा है, ठीक है डी क्यू बाई डी टी लिखा है। देखिए अगर चार्ज हम यहां पे देखें तो चार्ज हमारा डिक्रीज कर रहा है, किसमें, कैपेसिटर में चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो बच्चों हम इसको यहां पे लिख सकते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो बच्चों ये भी माइनस हो गया, माइनस से माइनस जाएगा कट और हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो आई नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम क्यू नॉट ओमेगा।
ठीक है। तो बच्चों ये हमारा जो दो इक्वेशन हमको मिली, एक तो मिली चार्ज की और दूसरी हमको मिल गई जो है वो मिल गई करंट की। ये दोनों इक्वेशन बच्चों हमारी ऑसिलेशन में है, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमारी ऑसिलेशन में है, इसको आप कर लीजिए नोट। चार्ज हमारा कैपेसिटर में ऐसे वेरी करता है और करंट हमारा इंडक्टर में ऐसे वेरी करता है, ठीक ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है पूरा कंसेप्ट हमारा जो है कंप्लीट हुआ एलसी ऑसिलेशन का। इसमें बच्चों हमारा चार्ज ऑसिलेट कर रहा है कैपेसिटर के बीच में, करंट ऑसिलेट कर रहा है बच्चों हमारा इंडक्टर के बीच में, और यदि एनर्जी के फॉर्म में देखें तो वो हमारा पूरी तरीके से पूरे सर्किट में ऑसिलेट कर रहा है। तो बच्चों एक बार पूरा जो अब तक हमने पढ़ा है उसकी समरी निकालते हैं, फिर मैं इसमें छोटी छोटी सी बातें आपको और बताता हूं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ एलसी ऑसिलेशन में, जो हमारा देखिए सबसे पहले जो आया जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन को आया डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू बराबर जीरो, जहां पे ओमेगा है हमारा 1/√LC या हम कहें ओमेगा स्क्वायर है 1/LC, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से आया। इसका जो जनरल फॉर्म आया वह आया Q इज इक्वल टू Q नॉट, ठीक है, और Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे ले सकते हैं इसको। फाइव हमारा बच्चों निकल के आया था 90, तो फाइनल हमारा जो निकल के आया Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। और बच्चों जब हमने इसको करंट के फॉर्म में बदला तो हमारा निकल के आया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर बच्चों आई नॉट की वैल्यू आई वो निकल के आई क्यू नॉट ओमेगा, ठीक है। ये हमारी पूरी समरी है जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, इसको आप कर लीजिए नोट। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जो इस एलसी ऑसिलेशन में, और ये सिचुएशन जो बच्चों हमने लिखी है ये बच्चों हमारी आइडियल सिचुएशन है, ठीक है, आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। इसमें बच्चों हमने कुछ एजम्पशन लेके चला है, वो ये लेके चला है कि रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, कैपेसिटर एंड इंडक्टर जो है वो हमारा जीरो है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने माना है कि कैपेसिटर और इंडक्टर और जो सर्किट हमने बनाया था उसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। और बच्चों दूसरा एजम्पशन जो है हमने लिया था कि हमारा जो है नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हमारा हीट के फॉर्म में जो है एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा, हमारा जो है सब कुछ कंजर्व है। प्रैक्टिकली में ये पॉसिबल नहीं है, हमारा जो है लॉस हमारा हीट का होएगा, और बच्चों रेजिस्टेंस भी थोड़ा बहुत इंडक्टर में होगा और कैपेसिटर में भी होगा, ठीक है। ये हमने जो सारा प्रूफ किया है ये आइडियल सिचुएशन को लेकर के प्रूफ किया है। इसमें क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम चार्ज कॉन्स्टेंट रहता है, मैक्सिमम करंट हमारा कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन ओरिजिनली में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया, अब देखिए क्या होता है। अब बच्चों इसमें एक कंसेप्ट आता है, खासतौर से बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दें कि प्रूफ करने को आता है। प्रूफ करने में क्या आता है कि बच्चों प्रूव दैट एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द एलसी ऑसिलेशन, ठीक है बच्चों। यहां पे देखिए नोट कर लीजिए, प्रूफ दैट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है, ऑसिलेशंस, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा निकल जाएगा। तो बच्चों देखो क्या हुआ कि हमारे पास बच्चों ये देखिए एक कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस हमने जो है एक लगाया इंडक्टर, ठीक है। ये सिचुएशन है टी इज इक्वल टू जीरो, जब हमारा करंट हमारा जीरो है और इसके ऊपर हमारा चार्ज जो है
वो मैक्सिमम है, इस तरीके से ये सी है ये एल है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या होगा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर वो होगा बच्चों 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समय बीता और बच्चों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हमारा हो गया कम और इंडक्टर में करंट हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, टी इज इक्वल टू टी की कहानी है ये, इस तरीके से बच्चों हो गया। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज हो गया हमारा क्यू और करंट हमारा ऐसे आ गया आई, इस तरीके से। ठीक, देखिए इस तरीके से ऐसे आ गया और इसका इंडक्टेंस एल है। अब देखिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो यहां भी थोड़ी आ गई यहां भी आ गई। तो बच्चों देखिए क्या होता, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो हो जाएगी बच्चों 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर या इसको लिख दे ई एल, तो वो बच्चों हो जाएगी 1/2 एल आई स्क्वायर, ये होगी एनर्जी। ठीक है, अब देखिए बच्चों चलिए अगली बात करते हैं। देखिए इस कंडीशन में जो हमारा चार्ज होगा वो होगा चार्ज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी और इंडक्टर में जो करंट होगा वो होगा बच्चों आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सर्किट में इस समय जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों कैपेसिटर में इंडक्टर में नहीं है क्योंकि यहां पर अभी कोई भी हमारा जो है करंट नहीं है। तो बच्चों क्या हुआ कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो हुई वही हुई हमारी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसको हम टोटल एनर्जी लिख सकते हैं। समय बीता, चार्ज यहां से चला, करंट बना, यहां पर बच्चों हमारा करंट पास हो रहा है तो क्या हुआ कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी निकल करके इंडक्टर में आ गई। ठीक है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी इंडक्टर में आ गई। अब बच्चों इसके पास भी एनर्जी है, कैपेसिटर के पास भी और इंडक्टर के पास भी एनर्जी है। इस कंडीशन में बच्चों जो हमारी जो है टोटल एनर्जी क्या होगी, वो बच्चों हो जाएगी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, ये हो गया। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये आ गया। इनिशियली जो हमारी टोटल एनर्जी थी, इनिशियली टोटल एनर्जी थी वो थी 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। ठीक है बच्चों, यहां पर और बच्चों यहां पर एक हमारा एक और फॉर्मूला हमें मिला था कि करंट जो था वो था क्यू नॉट ओमेगा, इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम उस सिचुएशन में टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं जब हमारा जो है थोड़ा सा चार्ज फ्लो करके इधर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर वो ये लिखा है तो ये आ गया बच्चों 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी प्लस 1/2 एल आई स्क्वायर, देखिए इस तरीके से आ गया है। अब देखिए क्यू स्क्वायर हम क्यू कितना है, ये है आई कितना है, तो बच्चों इसकी वैल्यू हम यहां रखेंगे तो देखिए आया 1/2 सी हमने इधर निकाल लिया, क्यू स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो बच्चों क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस 1/2 एल है 1/2 एल और बच्चों यहां पर आया ही हमारे पास 1/2 एल और ये हमारे पास आ गया आई स्क्वायर, तो आई की वैल्यू ये है तो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, देखिए इस तरीके से होगा। ठीक है, एक फार्मूला बच्चों और आया था हमारा, वो हमारा निकल के आया था ओमेगा इक्वल टू 1/2 एल सी, ये भी आया था, इसको भी नोट कर लिया। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए क्या आया 1/2 इंटू सी क्यू नॉट स्क्वायर और यह आया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 एल, ठीक है आई नॉट स्क्वायर और यह आया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या है यहां पे, यहां पर है आई नॉट और आई नॉट हमारा आया था क्यू नॉट ओमेगा और ओमेगा बच्चों हमारे पास था एल सी। ठीक है, तो बच्चों हम इसको यहां पर पुट करेंगे तो आ गया 1/2 by c q naught square cos square omega t plus 1/2 into l और i naught की जगह हम रख सकते हैं q naught omega का square और ये आ गया sin square omega t, देखिए ऐसे आ गया। ठीक
ठीक है। चलिए अब अगला करते हैं काम, यह आया 1/2, ये आया क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 एल, ये आया क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए इस तरीके से आया, ठीक है ये आ गया। अब देखिए यहां से ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आएगी 1/LC, देखिए ओमेगा 1/√LC है तो ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/LC, ठीक है। तो हम इस ओमेगा स्क्वायर को हटा करके यहां लिख देते हैं 1/LC, तो बच्चों ये आ गया इंटू 1/LC, एल से एल कट गया, जो बचा वो लिखते हैं, बचा हमारे पास क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, देखिए यहां पे बच रहा है क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बच्चों इसमें से कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C, ये बचा हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1, तो बच्चों आ गया क्यू नॉट स्क्वायर क्यू नॉट बाई 2C इंटू 1, और बच्चों ये हमारी हुई टोटल एनर्जी। तो कुल मिलाकर के टोटल एनर्जी हमारी कितनी हुई, वो आ गई 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। ये देखिए ये आया किसी भी टाइम पे, स्विच ऑन करने के बाद किसी भी टाइम पे बच्चों हम जो एनर्जी निकाल रहे हैं वो बच्चों हमारी देखिए इतनी आई, और इनिशियली जब हमने स्विच ऑन नहीं किया था फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लगाया था तो भी हमारी जो है एनर्जी इतनी ही थी। जरा इसको और इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात यहां से प्रूफ होती है कि हर एक कंडीशन में जो है हमारा जो है एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है, हर एक कंडीशन में हमारी एनर्जी कंजर्व रहती है। और बच्चों जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 11th में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट हमारा जो है उस भी मैकेनिकल ऑसिलेशन में भी हमारा लग रहा था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एलसी ऑसिलेशन का कंसेप्ट हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, न्यूमेरिकल भी इस पे होते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा पूछे नहीं आते, कंसेप्ट पे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं। तो बच्चों कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा, तो बच्चों इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।